दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। विगत सप्ताह अकोला का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया था। सप्ताह भर में लगभग 9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे आया। पिछले 3 दिनों के आंकड़े पर गौर करें तो तेजी से 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अकोला का तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अकोला जिले में पिछले 1.5 महीने से कोरोना के मरीज कम सामने आ रहे हैं। इनमें से अधिकांश दिन कोई मरीज नहीं मिला। जहां यह स्थिति बनी हुई है, वहीं रविवार को 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अकोला शहर में चिंता थोड़ी बढ़ गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश सरकार के राजस्व व पुनर्वास विभाग ने रविवार से समूचे जिले में प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं, जो जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी हुए हैं। मॉल, दुकान, आस्थापना व सम्मेलनों में टीका लगवाने वाले ही शामिल हो, इसके लिए जल्द ही एक यूनिवर्सल पास होगा। कोटनपुर के विदर्भ पीठाधीश्वर पूजनीय अनंत श्री विभूषित रामानंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य समर्थ माउली का रविवार 28 नवंबर को अकोला में आगमन हुआ। उनके आगमन अवसर पर स्थानीय अभिरुचि गार्डन छोटी उम्र में उनका स्वागत किया गया। दर्शन व प्रवचन कार्यक्रम हेतु नागरिकों ने भीड़ की। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव घोषित हुए हैं। इसके अनुसार कल यानी 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक सुबह 11 से इच्छुक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 7 दिसंबर को नामांकन की जांच की जाएगी। 9 दिसंबर तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी वितरित किए जाएंगे। अकोला में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। जनवरी महीने में शुरू हुए वैक्सीनेशन का 14,12,182 नागरिकों ने लाभ लिया, जिसमें 9,66,144 नागरिकों ने पहला तथा 4,46,350 ने दूसरा डोज लिया है। आरोग्य विभाग की माने तो जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य भारी संख्या में पूरा हो चुका है। एक दो पहिया वाहन पर आरोपी अमरावती से गुटखा ला रहा है, ऐसी जानकारी विशेष दल प्रमुख को मिली। जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से प्रतिबंधित 1 लाख का गुटखा जब्त कर लिया। इसके अलावा दल ने अवैध रूप से शराब ला रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान में टीकाकरण सेंटरों पर भीड़ बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ मतदाता पंजीयन कार्य को भी गति प्रदान की गई है। दोनों मुहिमों का जायजा लेने के लिए रविवार को मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी जी ने मतदान पंजीयन व टीकाकरण सेंटरों का निरीक्षण किया। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने अपने खेतों से निकली कृषि उपज सामग्री गोदामों में रखी थी। इसी बीच अज्ञात आरोपियों ने गोदाम का ताला तोड़कर सोयाबीन पार कर दिया था। अपराध शाखा के विशेष दस्ते ने जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 44.20 क्विंटल सोयाबीन तथा चोरी की सामग्री ढुलाई करने वाला वाहन समेत 7,65,450 रुपए का माल जब्त कर लिया। वेतन वृद्धि की घोषणा के बावजूद राज्य परिवहन निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग पर कई कर्मचारी अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लापरवाही के चक्के अभी भी थमे हुए हैं। अब कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। शनिवार एवं रविवार को 202 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।